नमस्कार, मेरा नाम है गायत्री। मेरे सामने आज एक विषय है, बच्चों में बढ़ती हुई आत्महत्या के लिए जिम्मेदार कौन? अभिभावक, समाज या स्कूल? जहां तक मेरी बात की जाए, मेरे विचार से इसके लिए सबसे बड़े जिम्मेदार है आजकल की शिक्षा प्रणाली। आजकल की शिक्षा प्रणाली में इतने बदलाव आ चुके हैं कि बच्चे उसे समझने में असमर्थ महसूस हो रहे हैं। आज की शिक्षा प्रणाली कुछ जटिल भी होती जा रही है, जिसके कारण बच्चों में सबसे बड़ी एक कठिनाई आ रही है, मानसिक तनाव। आज के प्रतियोगी युग में सभी बच्चे चाहते हैं कि वो एक दूसरे से बढ़कर अंक प्राप्त करें, लेकिन किन्हीं कठिनाइयों के कारण जब वो अंक हासिल नहीं कर पाते, अच्छे अंक हासिल करके प्रथम स्थान या द्वितीय स्थान या तृतीय स्थान प्राप्त नहीं कर पाते, तो वो मानसिक तनाव में चले जाते हैं, जिससे छुटकारा पाने के लिए उन्हें एक ही साधन दिखाई देता है, वो है आत्महत्या। मेरे विचार से इसका दूसरा कारण है आर्थिक समस्या। कुछ अभिभावक ऐसे हैं जिनके पास आजकल के महंगे उपकरण खरीदने के लिए पैसा नहीं है। आर्थिक तंगी के कारण वो अपने बच्चों को वो शिक्षा नहीं दे पाते जिसके वो हकदार है। शायद यह कारण भी हो सकता है कि वो आत्महत्या की ओर अग्रसर हो रहे हैं। मेरे विचार से इसका जो अगला कारण है, जिसके कारण वो आत्महत्या की तरफ अग्रसर होते हैं, वो है उनमें नैतिक मूल्यों की कमी। पहले की शिक्षा में नैतिक मूल्यों पर एक अलग से विषय रखा जाता था, लेकिन शायद आज उसमें कमी आ गई है, जिसके कारण वो बच्चे इन नैतिक मूल्यों को समझ नहीं पाते। वो अपने अभिभावकों से दूर होते जा रहे हैं। उनके लिए बस एक ही लक्ष्य रह गया है, पढ़ना, पढ़ना और पढ़ना। यही कारण है कि वो आज आत्महत्या की ओर अग्रसर हो रहे हैं। एक और कारण भी हो सकता है, वो है मातृभाषा की कमी। आजकल के स्कूलों में अंग्रेजी को ज्यादा महत्व दिया जाता है, जिसके कारण हिंदी और पंजाबी भाषा, जो हमारी मातृभाषा है, उसका स्थान द्वितीय हो गया है। यही कारण है कि आज बच्चे अंग्रेजी में सीखने को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं बजाय अपनी मातृभाषा के। मेरे विचार से यह होना चाहिए कि इससे छुटकारा पाने के लिए यही करना चाहिए कि जो अभिभावक है वो अपने बच्चों को संपूर्ण साथ दे, उन्हें हर पल देखें कि वो क्या कर रहे हैं। यह नहीं कि उन पर नजर रखें, लेकिन यह देखें कि वो जो कर रहे हैं क्या वो सही है। हाँ ठीक है, आजकल के उपकरण जो बच्चों को पढ़ाई में मदद करते हैं, उनसे वो बहुत कुछ अच्छा सीखते हैं। आजकल बच्चे बहुत आगे जाने के लिए मोबाइल का यूज करते हैं, लैपटॉप का प्रयोग करते हैं। अभिभावकों को सिर्फ ये चाहिए कि वो उनकी हर तरह से सहायता करें, थोड़ा सा टाइम अपने बच्चों के लिए निकाले, उन्हें समय दे, उनकी मुश्किलों को समझे, ताकि बच्चे उनसे डरे नहीं, बल्कि अपनी मन की बात उन तक पहुंचा सके। धन्यवाद।